चल रहा है भाई। भाई ने अपनी नई बाइक में राइड निकाल दी। भाई निकल के आ गया, चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आज जो है इसका टेस्ट ले लेते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं बाइक, और पहली आज राइड है। तो चलने से पहले जो है जल्दी से आप कमेंट कर लीजिए, आज आपके भाई का जो है बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जरूर कमेंट पे कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और इस आज जो है बाइक का जो है राइड करते हैं और देखते हैं कैसे जो है लॉन्ग रूट में बड़े चलती है, कैसे चलती है। तो चलिए चलते हैं। जबरदस्त है, मजा आ रहा है पूरा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी कंपनी में, आप पीछे देख सकते हो। तो ये हमारी एक छोटी सी कंपनी है ब्लीच प्रिंटर्स के नाम से, रायपुर भगवानपुर में। और अभी जो है माल उतारना चालू हो चुका है, तो कुछ आपको सामने से भी दिखा देते। तो बारिश काफ़ी हुई थी, देखिए सामने पानी कीचड़ हो रखा है। सामने अपनी बाइक खड़ी है, साथ में एंटो, और सामने देखिए ये अपनी कंपनी। तो ये सामने जो है गार्ड साहब, और ये हमारे चचा डालू चचा हैं। ये हमारे को जो है कंपनी में हमारे जो है खूब सारी सेवा करते हैं, चाय पानी का पूरा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का अपना। और सामने आप देख सकते हैं अपनी कंपनी, ये है ब्लीच प्रिंटर, और ये है अपनी कंपनी। अंदर जो है हमारी पैकेजिंग का काम होता है, कुछ इस टाइप से जो है पेपर होते हैं। इसके बाद ये सामने जो है हाइडलबर्ग जर्मन मेड जो है कंपनी होती है, इससे जो है इस पर प्रिंटिंग होती है। और इधर से तो अभी ये बंद पड़ी है, तो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी है। इधर जो है कटिंग का जो है सारा सामान होता है। और ये सबसे पहले तो ये कटिंग की मशीन है, तो ये कटिंग की मशीन है, यहाँ पर पेपर कटता है। और देखिए यहाँ पे लेबल जो है छप रहे हैं, और इधर की तरफ जो है ये लेमिनेशन होता है। और ये सामने जो है हाइडलबर्ग की सिंगल कलर की मशीन है, और इधर की तरफ ये सिक्स कलर पे है। लगभग ये जो है हमने खरीदी थी लगभग 1.5 करोड़ की करीब थी, और ये की जो है ये 4 कलर की मशीन है। तो चलिए चलते हैं ऑफिस दिखाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डाई मशीन है। यहाँ से जो पेपर की जो है टुकड़ों में बांटा जाता है, जिससे उसका डब्बी बनाई जाती है, कटिंग हो रही है पेपर की। और बाद में जो है इधर की तरफ कोई काम कर रहा है, जब कटिंग हो जाती है तो उसके बाद तोड़ना पड़ता है। डाई को तोड़ के जो है फिर उसे पेस्टिंग की मशीन पे, सामने आप पेस्टिंग मशीन देख सकते हैं, ये भी जो है कटिंग मशीन है। और ये जो है एक अपनी जो है पेस्टिंग मशीन है, यहाँ पर डब्बियों को जो है वो बनाया कर जो है पेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी हुई मशीन की जो है डब्बियाँ तोड़ कर रख दी गई, उसके बाद यहाँ पर इस वाली मशीन पर पेस्ट हुआ। और पेस्टिंग होने के बाद जो है इसकी कटिंग होती है, तो इस टाइप का यहाँ पर काम होता है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस में, और ये कुछ इस टाइप से देखने के लिए आपको दिखाई पड़ता है। और ये वाली सीट जो है ये वाली अपनी सीट है, यहाँ पे बैठ के हम अपना काम करते हैं। और यहाँ पे जो है कलम सिंह जी बैठते हैं, वहाँ पे ब्रिजेस यहाँ पे बाकायदा जो है HR मैनेजर का जो है काम कर रहा, तो ब्रिजेस यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इसका जो है काम चलता है। और कुछ यहाँ से जो है कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है हमारा ऑफिस। और ब्रिजेस आप जो है मंथ जो है फर्स्ट वीक है, तो सैलरी का काम कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे नावेद अली जी हैं, ये हमारे जो है सबसे यहाँ पे क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है नावेद जी से हम जो है जो भी अपनी दिल की बात हो सारी चीज़ें जो है नावेद जी से बताते हैं।
तो भाई साहब जो है हो गया इंतजाम समोसों का, और ये हो गया है क्या अपनी कोल्ड ड्रिंक का। तो ये जो है हमारे श्रीकांत जी, और ये है मयंक जी, और ये हमारे जो है नए ड्राइवर साहब। तो आज जो है समोसे और ये चलेगा दावत में, तो चलिए देखते हैं नई जो अगली दावत होती है उसमें क्या मिलता है। दावत आ जाओ भाई, ले लो भाई दावत, चलो लो भाई ले लो समोसे ले लो। आ जाओ आ जाओ समोसे ले लो। देखिए सारे कितने सारे केक हैं भाई। दुकान का नाम क्या है? स्टैंडर्ड बेकरी। स्टैंडर्ड बेकरी जगह बता दीजिए। ये मलकपुर चुंगी पिज्जा हट के पास में, जस्ट बराबर डमडम चौक के पास है। देखिए कितना फ्रेश जो है ये, क्या कहते हैं क्रीम पफ और क्रीम रोल वगैरह है। सारे जो है केक रखे हुए हैं खूब सारे। ये देखिए कितने सारे केक रखे हुए हैं, और देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है सामने जो है सारी चीज़ें बेकरी की जो है इन्होंने अच्छा काम कर रखा है, काफ़ी अच्छा। हम जब भी जो है कुछ भी सामान लेते हैं बेकरी का यहीं से लेते हैं, बच्चों के लिए सबके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और हाँ ये चॉकलेट्स वगैरह भी जो है सारी यहाँ जो है भैया रख रखी है। तो दोस्तों अब जो है जश्न है बर्थडे का, तो सामने आप देख सकते हैं केक ला चुके हैं। और मुझे आदत नहीं है कि जो है मैं अपने जो है केक को सेलिब्रेट करूं कि बत्तियां जलाऊं, और तो मैं केक ले आता हूं और जो है सबको एक एक पीस मिल जाता है और साथ में पेटीज, और सबको जो है पेटीज मिल जाएगी। तो हम ऐसे जो है जश्न को में आते हैं, मम्मी भी बैठे, और कुछ दिनों पहले जो है हमने ब्रजेश का और मधु का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, तो उसमें तो उन्होंने जो है बत्तियाँ से जलाई थी। तो कुछ इस टाइप से जो है केक का जश्न अभी हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो भाई सबके साथ जो है कमेंट कीजिए कि भाई हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू ऑल। पापा कहाँ हैं? चलो पापा तो आए नहीं, और केक हमारा जो है साफ हो गया मेरे ख्याल से, पापा मंथन कर रहे हैं। तो बोलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई मेरा केक भी दे दो भाई। तो भैया आ गया अपना नंबर, तो चलिए केक का स्टार्ट करते हैं और खाते हैं। मम्मी ने तो स्टार्ट कर दिया खाना, और उधर पापा ने भी जो है चालू कर दिया है बेहतरीन करके। सामने जो है कुत्ते का कपड़ा भी पड़ा है, इधर जो है ब्रिजेश भी केक ले रहा है, उसे वहीं रख दो। तो भाइयों हो चुका है आप जो है इस वीडियो का आखिरी मोमेंट, और आज का वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। दोस्तों अभी हम यहाँ से आगे जाते हुए तो यहाँ पे एक जो है आर्टिस्ट बैठे हैं जो यहाँ पे जो है फोटोज बना रहे थे, कितनी गजब की इन्होंने फोटोज बनाई है। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की फोटोज बनाई है, कुछ इस टाइप की मुगल कालीन है।